मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में अभी सबसे ज़्यादा हाइप हो रहा है तो वो सिर्फ है एक कैरेक्टर का, जो है थैनोस। एमसीयू में अभी तक जितने भी मूवीज़ आए हैं वो लीड करते हैं थैनोस की तरफ। ऐसे में सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि क्या थैनोस हारेगा, क्या थैनोस मरेगा और थैनोस को मारेगा कौन? तो इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताऊँगा। वैसे तो मूवी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्वल के अवेंजर असेंबल एनिमेटेड सीरीज में थैनोस और अवेंजर के बीच हुए फाइट में हुआ क्या था। थैनोस के सारे इन्फिनिटी स्टोन पे कब्जा कर लेने के बाद थैनोस और अवेंजर के बीच में फाइनल फाइट होती है, जहां पर अवेंजर थैनोस पे सरप्राइज अटैक करते हैं, बट थैनोस बच जाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स के हेल्प से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर अर्थ को बचाने के लिए सारे अवेंजर्स एक एक करके थैनोस पे हमला करते हैं, बट उसको टच भी नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक विडो बोलती है कि थैनोस को रोकना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसी की वजह से थैनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन मिले थे, और वो इनविजिबल होकर थैनोस पे अटैक करती है और नाकामयाब रहती है। फिर हल्क भी थैनोस पे मुक्कों की बरसात कर देता है, बट थैनोस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर आयरन मैन बोलता है कि उसके पास एक प्लान है, अगर थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन से एक एक करके हमला करे तो उसके रीडिंग से वो थैनोस को हरा सकता है। तो सारे अवेंजर जैसे कि कैप्टन अमेरिका, फैल्कन, आयरन मैन, हॉकआई थैनोस को ललकारने लगते हैं। फिर थैनोस को गुस्सा आ जाता है और थैनोस सारे इन्फिनिटी जेम से हमला करने लगता है। सबसे पहले वो अटैक करता है टाइम स्टोन से, जो कि सारे अवेंजर्स को बूढ़ा कर देता है, और फिर धीरे धीरे सारे अवेंजर एक एक करके मर जाते हैं एक्सेप्ट थॉर, क्योंकि थॉर एक एसगार्डियन है, तो टाइम के साथ थॉर ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है और थैनोस के टाइम स्टोन पे अपने हथौड़े से अटैक करता है, जिससे टाइम स्टोन का असर थैनोस पे भी हो जाता है और थैनोस बूढ़ा होने लगता है। तो थैनोस उसी टाइम स्टोन के असर को रिवर्स कर देता है, जिससे सारे अवेंजर्स फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। फिर अचानक सारे अवेंजर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर आयरन मैन सबको बताता है कि थैनोस माइंड स्टोन यूज़ करके ऐसा कर रहा है, और उसके बाद हल्क सबको बोलता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल मत करो, थैनोस के तरफ टारगेट करो, और फिर हल्क थैनोस पे अटैक करता है, बट थैनोस बच जाता है। हल्क का गुस्सा बढ़ते जाता है और वो फिर से थैनोस पे मुक्के की बरसात कर देता है। फिर सारे अवेंजर मिलके थैनोस पे अटैक करते हैं। जैसे ही थैनोस को एहसास होता है कि वो हार रहा है, वह स्पेस स्टोन यूज़ करके टेलीपोर्ट होने लगता है और सारे अवेंजर्स पे एक एक करके रैंडमली हमला करने लगता है, बट हॉकआई और ब्लैक विडो को उसके पैटर्न का पता चल जाता है और वो थैनोस के अटैक करने से पहले उस पर अटैक करके उसे गिरा देते हैं। और उसी वक्त थॉर अपना हथौड़ा थैनोस के ऊपर रख देता है और आयरन मैन गॉन्टलेट निकाल लेता है। फिर थैनोस को पकड़ के शील्ड के हेडक्वार्टर में ले आया जाता है। वहाँ पर निक फ्यूरी बोलता है कि अब पूरा वर्ल्ड पीस में है। इस पर कैप्टन अमेरिका बोलता है कि रेड स्कल अभी भी आज़ाद है, तो फ्यूरी उसे बताता है कि रेड स्कल ने हार मान ली है और आज ही आत्मसमर्पण कर दिया है। इस बात पे कैप्टन अमेरिका को शक हो जाता है और वो थैनोस पे अटैक करने लगता है और सबको बताता है कि थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज़ करके ऐसा कर रहा है और वो वही दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। फिर सारे मिलके थैनोस पे अटैक करने लगते हैं, जिससे रियलिटी टूट जाती है और सारे फिर से वहीं पर आ जाते हैं। उसके बाद थैनोस पावर स्टोन से अटैक करने लगता है, जिसमें आयरन मैन मर जाता है, पर जैसे ही थैनोस आयरन मैन का हेलमेट खोलता है तो उसे पता चलता है कि सूट के अंदर टोनी स्टार्क है ही नहीं और वो रिमोटली सूट को एक्सेस कर रहा था। फिर टोनी स्टार्क बोलता है कि उसको सारे इन्फिनिटी स्टोन की रीडिंग मिल चुकी है और वो उस रीडिंग से प्रोजेक्ट आर्सेनल को ऑनलाइन ला सकता है। प्रोजेक्ट आर्सेनल एक रोबोट रहता है जो कि सारे इन्फिनिटी स्टोन के पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। थैनोस स्पेस स्टोन से टोनी स्टार्क के ऑफिस को ही अपने पास ले आता है और उसी टाइम प्रोजेक्ट आर्सेनल भी ऑनलाइन आ जाती है और थैनोस की तरफ बढ़ने लगती है। थैनोस उसे एक नॉर्मल मशीन समझ के उस पर इन्फिनिटी स्टोन से अटैक करता है, बट आर्सेनल स्टोन के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है और थैनोस के गॉन्टलेट को निकाल लेती है। फिर सारे अवेंजर्स मिलकर थैनोस पे हमला करते हैं और थैनोस हार जाता है और थैनोस को गार्जियन के हवाले कर दिया जाता है। तो ये थी थैनोस की स्टोरी। अब ऐसा कुछ मूवी में दिखाया जाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा ही सिमिलर कुछ दिखाया जा सकता है।
आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांग विलेन कौन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।